अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे कासम। आज हम कोट लखपत स्टेशन पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों की राय जानेंगे कि जो एक वाकया हुआ था दिल दहला देने वाला, दो आपस में दो ट्रेनें टकरा गई थी, उन्हीं के हवाले से हमने आज इधर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्रिया। तबीयत ठीक है अंकल? ये जो ट्रेन का हादसा हुआ था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें अमवात भी काफ़ी हुई हैं, लोग यतीम हो गए, काफ़ी है, कोई रिलीफ नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी। रिलीफ मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। पिछले हुकूमता थी वो देरियाँ थी। अस्सलाम अंकल, ये ट्रेन का हादसा जो हुआ था, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? हुआ तो बड़ा अफसोसनाक वाकया यार, अल्लाह का हुक्म जैसे मालिक कर रहा है, पर अच्छा नहीं हुआ। मगर हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब बेचारे अल्लाह को प्यारे, इनके वारसा को, यानी कि 5-7 लाख जितने भी देने चाहिए, जो मुनासिब समझते हैं उस हिसाब से देने चाहिए। यार मैंने तो तकरीबन अभी ना पिछले एक मंथ से सफ़र करना शुरू किया ट्रेन में। बेसिकली मैं हूँ साहिवाल से, तो जो हालात होते हैं ट्रेन में मैंने तो देखे हैं, इकोनॉमिक क्लास में स्पेशली, मतलब कि चढ़े होते हैं ऐसे सोए हुए थे। लिटरली लास्ट टाइम जब मैंने सफ़र किया तो ऐसे था कि ना पूरी की पूरी फैमिली, सीट्स तो थी अवेलेबल, लेकिन उसके बावजूद मतलब कि भरी पड़ी डिब्बा जो है वो भरा पड़ा था, लेटे हुए नीचे, लिटरली बच्चे लेटे हुए हैं, तकरीबन 9 मौलूद बच्चे वो लेटे हुए हैं, माएँ साथ लेटी हुई हैं। तो सीनियर के इंतज़ामिया को करना चाहिए कुछ इससे रिलेटेड। हादसात तो फिर अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन इंतज़ामिया को इससे रिलेटेड कुछ करना चाहिए। हमारे वज़ीर साहब के लिए कुछ यार, उनके लिए पैगाम तो कोई नहीं है, बहरहाल यही है कि खुदा खौफी कर लें, कोई आवाम के लिए यही कह सकता हूँ मैं। बाकी बस डिपेंड करता है कि हादसा तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन चक्रिय की इंतज़ामिया को इससे रिलेटेड सोचना चाहिए कुछ, मतलब कि एक डब्बे में आप पूरे के पूरे ऐसे था कि जैसे कोई आवाम का ना अंदर जंगल है, कोई इतनी आवाम थी उसमें भरी हुई, तो इससे रिलेटेड सोचना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इंतज़ामिया को। तो हम ये नहीं कहते कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं आई ट्रेन, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो उनका दुख है जो हादसा हुआ, तो इसमें हम ये नहीं कहते ये नहीं होना चाहिए वो, इस मौके पे हमें सफर से काम लेना चाहिए। बड़ा दिली अफसोस होया आप आते तो असं इतने लखपत स्टेशन ना कारोबार करी था, रिक्शा चलाई दा सी, ठीक है जी, फिलहाल अजोर नहीं पे ना सी, गड्डिया कदों आदि ने असं यही कहने में चलो फलानी गड्डी आ रही है तो चलो साडा ना कारोबार चल जाता, ठीक है जी। बड़ा रिक्शे हाँ जी लैके इतने आई देना सी तो साडा कारोबार चल जाता, और सवारियां उतरदियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ।